सागर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अनिल शर्मा ने अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश माथहत अधिकारियों को दिए हैं, जिसके बाद टीकमगढ़ में पुलिस ने अवैध कट्टा लेकर वारदात की नियत से घूम रहे 3 आरोपियों को स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इमेज चौरसिया और SDOP के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने टीम गठित कर अवैध कट्टा लेकर वारदात की नियत से घूम रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी शिक्षक कॉलोनी विदिशा का है और 2 स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ समय से टीकमगढ़ शहर में चोरी सहित कई अन्य आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की। वारदातों को देखते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, चाहे अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार जिले में सभी जगह इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखा जाए। इस संबंध में लगातार हमारे श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और SDP महोदय द्वारा हम लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी संबंध में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक फेसबुक के माध्यम से एक आपको याद होगा कट्टा पकड़े हुए ली हुए व्यक्ति को पकड़ा हुआ था, उसी की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते गए, फिर दूसरा कट्टा पकड़ा गया। कल भी हम लोगों को फिर से सूचना मिली, जिसमें हमारी टीम में उप निरीक्षक रघुराज सिंह, उनके साथ में आरक्षक कैलाश, अरविंद, मुकुल, अनिल, भानु और आनंद की शहर में एक मोटरसाइकिल पे कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं, जो उत्तर प्रदेश के नंबर की मोटरसाइकिल थी, जो किसी वारदात करने के नियम से शहर में घूम रहे हैं। तो इसमें थाने की टीम ने घेराबंदी करने के बाद में रेलवे स्टेशन के पास से एक आपका मोहम्मद इकरार खान है, जो बीड़ी कॉलोनी का रहने वाला है, इसके साथ में एक ब्रजेश अहरवार है जो मूलतः विदिशा का रहने वाला है, इनको पकड़ा हुआ, जिनके पास से 315 गुर का कट्टा और जिंदा राउंड मिले। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।